good morning friends dear students watch this picture carefully what are you seeing in this picture oh yeah a boy is sleeping and what are there on his bed yes there are some books and notebooks on his bed the boy is dreaming can you guess what is the boy dreaming about In his dream, his teacher is asking about his homework that he didn't complete. Have you ever left your homework unfinished? Or can you imagine a situation when you couldn't do your homework? What excuse did you give for not doing your work? How did you feel when? You gave a false excuse. Okay, let's read a very interesting poem written by Bruce Lansky, in which a boy is making continuously false excuses to his teacher. Let's read the poem. I didn't do my homework. My teacher asked me why i answered him it's much too hard he said you didn't try i told him my dog ate it he said you have no dog i said i went out running he said you never jog i told him i had chores to do he said you watch tv I said, I saw the doctor. He said, you were with me. My teacher sees right through my fibs, which makes me very sad. It's hard to fool the teacher when the teacher is your dad. आइए इस कविता का हिंदी में अनुवाद करते हैं यह कविता नैतिक शिक्षा पर आधारित है जो ब्रूस लांसकी के द्वारा लिखी गई है होता यह है कि एक बच्चा अपना होमवर्क नहीं कर पाता जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि वह काम करते करते सो जाता है और जब वो सोता है तो सोपन में भी अपने होमवर्क के बारे में देखता है कि उसका अध्यापक उससे होमवर्क के बारे में पूछता कि होमवर्क क्यों नहीं किया क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ सोचिए कि जब आपने किसी भी कारण से होमवर्क नहीं किया हो और क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने होमवर्क नहीं किया और आपने अध्यापक के सामने उसके बारे में झूठ बोला और जो बहाना बनाया वो पकड़ा गया फिर आपको कैसा महसूस हुआ चलो पढ़ते हैं इस कविता माई टीचर सीज राइट थ्रू मी मेरे अध्यापक मुझे बिल्कुल सही पकड़ लेते हैं अर्थात मेरे अध्यापक मेरे झूठ को बिल्कुल सही पकड़ लेते हैं आई डिडेंट डू माई होमवर्क माई टीचर मी वाई मैंने अपना होमवर्क नहीं किया मेरे अध्यापक ने पूछा क्यों नहीं किया आई एंसर्ड हिम इट्स मच टू हार्ड मैंने उत्तर दिया कि श्रीमान जी अब बहुत मुश्किल था मुझसे हुआ नहीं बहुत कठिन सवाल थे बहुत मुश्किल था इसलिए मुझसे नहीं हुआ ही सैड यू डिडेंट ट्राई उन्होंने कहा कि आपने कोशिश ही नहीं की मुश्किल तो तब होता जब आप इसको करने की कोशिश करते और आपसे हल नहीं होता लेकिन आपने तो कोशिश ही नहीं की फिर मैंने कहा माई डोग एट इट मैंने किया तो था लेकिन मेरे कुत्ते ने खा लिया होमवर्क ही सैड यू हैव नो डॉग उन्होंने कहा कि आपके पास तो कुत्ता ही नहीं है खाएगा कहाँ से आई सेड आई वेंट आउट रनिंग मैंने कहा कि मैं दौड़ लगाने के लिए चला गया था ही सेड यू नेवर जॉग उन्होंने कहा कि आप तो कभी जॉगिंग करते ही नहीं कभी सैर करने ही नहीं जाते आई टोल्ड हिम आई डू मैंने कहा कि मुझे घर के काम करने पड़े ही सैड यू वॉच टीवी उन्होंने कहा कि तुमने घर के काम नहीं किए बल्कि तुमने टीवी देखा आई सैड आई सो द डॉक्टर मैंने कहा मैं डॉक्टर से मिलने गया था डॉक्टर के पास गया था ही सैड यू वर विद मी उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ थे डॉक्टर के पास नहीं गए बल्कि तुम मेरे साथ थे माई टीचर सीज राइट थ्रू माई फिब्स विच मेक्स मी वेरी सैड मेरे अध्यापक मेरे सारे झूठ पकड़ लेते हैं सारे बहानों को पकड़ लेते हैं ये बात मुझे बहुत उदास करती है इट्स हार्ड टू फूल द टीचर अध्यापक को मूर्ख बनाना बहुत मुश्किल है वैन द टीचर इज योर डैड कब जब टीचर आपका पिता हो तब और भी अधिक मुश्किल है तो बच्चों ये थी हमारी कविता माई टीचर सीज राइट थ्रू मी आप इसे पढ़िए आनंद लीजिए और गुनगुनाइए